महीना या 10 दिन कुछ ना पोस्ट करो ना डालो, तो लोगों को लगेगा अच्छा इसका नहीं चल रहा है एक्टिंग में काम, ये घर छोड़कर चली गई है अपने होम टाउन और ये यहाँ पे अब नहीं है। मुझे बिग बॉस ज्यादा, आई एम नॉट बिग फैन ऑफ बिग बॉस, क्योंकि वहां पे मुझे मेरे फैमिली से दूर रहना पड़ेगा इतने टाइम तक, विच इज नॉट पॉसिबल। हेलो स्नेहा, वेलकम टू peepingmoon.com। आई एम वर्षा दीक्षित। हेलो। कैसे हैं आप? मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, बट या गुड। व्हाट्स अप, हाउ आर यू, हाउ योर हेल्थ? सब गुड, सब बढ़िया। एंड साथ निभाना साथिया 2 इतना पसंद किया जा रहा है कि टीआरपी में भी रहता है, एंड स्पेशली आपके किरदार गहना को। कभी सोचा था कि सीजन 1 आइकॉन सबसे हिट शोज में आता है इंडियन टेलीविजन में देखे तो, और कभी सोचा था कि आपके सीजन 2 और किरदार को इतना पसंद किया जाएगा? देखिए, क्योंकि सीजन 1 इतना हिट रह चुका है, उसकी अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग है, तो कहीं ना कोई कहीं वो एक पॉजिटिव थॉट था कि सीजन 1 को इतना पसंद किया है तो 2 को भी ऑडियंस करेगी। और प्रेशर भी था कि 2 को भी उसी लेवल तक ले जाना है, और कि ऑडियंस को इतना ढेर सारा एंटरटेन करना है, और वो हम ये भी चाहते थे कि ऑडियंस इसे भी इतना ही पसंद करे। तो इतना तो नहीं पता था कि इतना ऑडियंस पसंद करेगी, डाउट था क्योंकि मैं नया फेस, कि पसंद करेगी नहीं करेगी ये वो, बट एट द एंड दे आर लविंग इट, और वो लोग हमें पसंद कर रहे हैं, रोज देखते हैं। और स्पेशली गहना का कैरेक्टर, वो लोग एक छोटे छोटे कमेंट करते हैं, छोटी छोटी चीजें नोटिस करते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है दैट हम भी कहीं ना कहीं सीजन 1 जितना हिट रह चुका है और जितना अच्छा रह चुका है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम भी अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एज गहना गहना ऑडियंस को पसंद आ रही है, और कहीं ना कहीं मैं जस्टिस कर पा रही हूँ, सो अच्छा लग रहा है दैट पीपल आर रियली लविंग इट, और हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लोग। स्नेहा, जब आपको पता चला था आप साथ निभाना साथिया सीजन 2 में मेन लीड निभा रहे हैं, बहुत नर्वसनेस थी, खुशी थी, कैसा रिएक्शन था आपका? एक वो एक मिक्स रिएक्शन होता है जहाँ पे आप इमोशनल भी होते हो कि आपका लाइफ का फर्स्ट ब्रेक है ये, और बहुत बड़ा ब्रेक है, और नर्वसनेस होती है ऑब्वियसली, आप इतने बड़े शो का एक हिस्सा बनने जा रहे हो, तो आप पे बहुत सारा प्रेशर होगा, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इतने सारे लोग आपको देखने वाले हैं टेलीविजन पे, और एक्साइटमेंट भी होती है कि एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो बहुत एक मिक्स इमोशन था वो, इमोशन बोल सकते हैं हम कि सब कुछ उसमें था कि जल्दी से हो भी जाए, जल्दी से ना भी हो, बिल्कुल। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक वो एक्सपीरियंस होता है। एंड स्टार्टिंग डेज की बात करें साथ निभाना साथिया की, तो जब ये स्टार्ट हुआ था तो ऑडियंस ने बोला था कि गोपी और कोकिला बहन की जोड़ी फिर से वापस आए। उस समय आप पे डबल प्रेशर था, एक तो आप नए थे, ऊपर से आप इतने बड़े शो में मेन लीड निभा रहे थे, ऊपर से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी शुरुआत में झेलनी पड़ी थी, तो ये सब कैसे डील किया? तो एक्चुअली कैसा होता है ना, देखो ऑब्वियसली अभी मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट मुझे देखने की आदत है, मुझे ये लोगों को देखने की आदत है ना, ऑल ऑफ सडन ये पता चलेगा कि ये लोग लॉन्च कर रहे हैं किसी को और ये लोग इंट्रोड्यूस करवाने आए हैं, तो ऑडियंस को कहीं ना कहीं ये था कि वो लोग भी शो में रहे, तो हमें मैसेज आते थे कि प्लीज आप उनको भी बोलिए कि शो में रहे, बट दैट इज नॉट आवर चॉइस, वो मेकर का चॉइस है, वो चैनल का चॉइस है, वो उनका थॉट है कि उनको रखना है नहीं रखना है, बट देन मेरे मेरे लिए उनके नेगेटिव थॉट्स आने लगे फिर कि बिकॉज ऑफ यू हम आप गोपी को नहीं देख पाएंगे, बिकॉज ऑफ यू कोकिला मैम इज नॉट देयर ये वो, बट वो मेरे हाथ में नहीं था, एंड मुझे बस इतना था, मुझे मेकर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मुझे चैनल ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मुझे गहना का कैरेक्टर निभाना है, साथ निभाना शो मैं जितना मैं डाल सकती हूँ मैं डालू, और शो को उठाऊ, और मतलब बोलते ना अपना 100% दू,
सो आई एम डूइंग दैट. और स्टार्टिंग में लोग नेगेटिव कमेंट करते थे राइट, बट धीरे धीरे जब उन्होंने, क्योंकि क्या होता है ना, एकदम से आप पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता जब तक उन्होंने आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा हो, जब तक आपकी यू नो टैलेंट नहीं देखा हो, तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये एक्टर करेगा कि नहीं करेगा. जब फ्रेश फेस लॉन्च होता है तो यही डिफिकल्टी फेस करते हैं, क्योंकि लोग इजीली आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और डरते भी है लॉन्च करने के लिए, क्योंकि अगर ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करेगी तो आपका पूरा जो किया धरा है सब वेस्ट जाएगा. तो ऑडियंस स्टार्टिंग में नेगेटिव कमेंट्स कर रही थी कि यार ये कैसी गहना चिकास कर ली, नहीं हो पाएगा इससे ये वो, शी डोंट लुक लाइक होगी, शी डोंट लुक लाइक यू नो वो एक बहू टाइप, ये वो बहुत कमेंट्स आए. बट धीरे धीरे जब ऑडियंस ने मेरा परफॉर्मेंस देखा, यू नो मेरे सीन्स देखी, एंड टच वुड नाउ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. वही पीपल जो नेगेटिव कमेंट करते थे, आज दे आर डूइंग पॉजिटिव कमेंट्स कि आपका ये सीन बहुत अच्छा गया, और आप अनंत जी और आपके सीन्स अच्छे जाते हैं, आप फैमिली के लिए बहुत सपोर्टिव हो, फैमिली के लिए खड़ी रहती हो, फाइट करती हो, तो अच्छा लग रहा है. दैट मैंने इतना, आई डिड सो मच ऑफ हार्ड वर्क दैट उनका नेगेटिव चीज आई कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, सो दैट दे स्टार्ट बिलीविंग इन मी राइट अभी. Yes, agree. And आपका जो हार्ड वर्क है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो स्क्रीन पर दिख भी रहा है. एंड सीरियसली मैं बहुत जल्दी कोई प्रोग्राम नहीं देखती हूँ, एंड आई एम ए बिग फैन ऑफ साथिया, ओह थैंक यू सो क्योंकि मच. इसको देखकर ये लगता है कि गहना एक सूझबूझ वाली लड़की है. स्टार्टिंग में उसकी परिस्थितियां कैसी थी, वो लुक वाइज बात करें या फैमिली वाइज बात करें, अपने पेरेंट्स को खो दिया था, पर फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को, अपने सपने पूरे किए. तो ये बहुत मोटिवेट करता है हर किसी को. श्रेया, आपके ऑन स्क्रीन पति की बात करें तो अनंत देसाई यानी हर्ष नागर, ऑन स्क्रीन आपकी केमिस्ट्री बहुत कमाल की है. दोनों को देखकर बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग आती है. दोनों मतलब बिना कहे भी सब कुछ कह देते हैं. तो ऑफ स्क्रीन आपकी बॉन्डिंग कैसी है? ऑफ स्क्रीन भी हम अच्छे दोस्त हैं. एक दूसरे को स्टार्टिंग में तो हम एक दूसरे को काफी, मतलब जैसे मैं न्यू हूँ और वो एक्सपीरियंस रह चुके हैं, उन्होंने पहले भी शोज किए हैं मुझसे, ये उनका फर्स्ट शो नहीं है, मेरे लिए फर्स्ट शो है. तो कहीं ना कहीं जब यू नो स्टार्टिंग में आप थोड़े नर्वस रहते हो, आपको इतनी चीजें टेक्निकली आप इतने स्ट्रांग नहीं होते हो, चीजें पता नहीं होती है, तो ही यूज टू हेल्प मी अराउंड कि यू नो ऐसे किया जाता है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, बीच टू से बीच टू डिस्कस, हमारे सीन्स को लेकर हम बहुत चर्चा करते थे ये सारी चीजें. एंड नाउ आल्सो वी आर वेरी कूल फ्रेंड्स एंड वी आर गुड फ्रेंड्स कि सीन से पहले अगर कुछ प्रिपरेशन करनी हो तो कर लेते हैं, फिर सीन करते हैं, तो वेरी गुड एंड कंफर्टेबल टू वर्क विथ. जैसे कि हर एक एक्टर का अपना एक स्ट्रगल होता है, एंड स्ट्रगल के टाइम पे आपके लिए सबसे पेनफुल क्या था जो आपने फेस किया था? स्ट्रगल के टाइम पेनफुल, मैं पेनफुल को तो कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखा है, और मैं उसको अपनी जर्नी में ऐड करके रखना ही चाहूंगी, क्योंकि अगर वो चीज मैंने फेस नहीं की होती तो आई डोंट थिंक सो आज मैं यहाँ होती, और आई डोंट थिंक सो मुझ में इतनी ताकत आती कि मैं चीजों से फाइट कर सकूं और यू नो अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुंच सकूं. तो मैंने जितनी भी चीजें सीखी है, एंड टच वुड एक अच्छी चीज थी दैट मेरे हर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम में मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी थी, एंड मुझे हमेशा सपोर्ट किया है. तो आई तो बिलीव इन यू नो बैड डेज, जब बुरे दिन होंगे तभी अच्छे दिन की वैल्यू होगी हमें. तो मुझे तो अभी भी अगर नॉर्मली भी कभी ऐसे कोई दिन आता है जब यू फील सैड, इट्स ओके. यू नो ये सारी चीजें एक एक्सप्रेशन है, दैट इज अ फीलिंग. हर एक फील का लाइफ में होना बहुत जरूरी होता है, दैट सैडनेस, दैट बैडनेस, दैट अपसेट, हर एक चीज, हैप्पीनेस. सो आई थिंक जो भी चीजें आती है, आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली एंड टेक इट एंड फील इट एंड जस्ट गो अगेन. जब हम स्ट्रगल टाइम की बात करें, तो कभी आपने ऐसा, मतलब ऐसा कई बार सुना जाता है एक्टर्स किसी शो में कास्ट हो जाते हैं, लास्ट टाइम उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ कि लास्ट मोमेंट आपको मना कर दिया हो? मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसे. एक्चुअली क्या होता था, मैं ऑडिशन के लिए जाती थी, मेरे ऑडिशंस होते थे, फिर बाद में ऑलमोस्ट दे यूज्ड टू से कि अभी हम शूट स्टार्ट कर सकते हैं, आप ब्लॉक कर दो अपने आप को, ये वो. फिर एंड मोमेंट पे मुझे पता चलता है, क्योंकि बहुत टाइम बीत जाता है, फिर पता ही नहीं चलता कि क्या रिजल्ट है.
तो कभी कभी मैं स्टार्टिंग में तो मैं एक दो बार मैं खुद फोन कर लिया करती थी कि क्या हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती थी कि अरे वाह मुझे मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है। फिर देन दे यूज्ड टू से नहीं 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 आप रिलीज कर दो, आपका नहीं हुआ। तो फील बहुत बुरा लगता था कि यार व्हाट इज दिस, आई एम गिविंग माय 100%, क्या मेरी ऑडिशंस अच्छे नहीं गए, क्या मैं एक्टर अच्छी नहीं हूँ, तो बुरा लगता है। तो फिर बट देन ठीक है, लाइफ इज ऑल अबाउट रिजेक्शन एंड देन यू सक्सेस बाद में ही मिलती है, रिजेक्शंस के बाद ही सक्सेस है। फिर एंड हियर आई एम। बिल्कुल। श्रेया, कभी आने वाले टाइम में आप किसी रियलिटी शोज का हिस्सा बनना चाहेंगी, या बिग बॉस हो, खतरों के खिलाड़ी हो, या कोई भी शो, रियलिटी डांसिंग शो यस एक्चुअली मुझे बिग बॉस ज्यादा, आई एम नॉट बिग फैन ऑफ बिग बॉस, क्योंकि वहां पे मुझे मेरे फैमिली से दूर रहना पड़ेगा इतने टाइम तक, विच इज नॉट पॉसिबल। हो? बट ये वो भी अगर ऑफर होगा तो दैट टाइम आई विल सी, क्योंकि कभी भी ऐसे ही होता है, हम सोचते हैं कि हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बट देन कोई कोई ऐसे टाइम होता है जब यू फील लाइक डूइंग इट, यू फील लाइक एक्सपीरियंसिंग यू नो न्यू थिंग्स, तो आप कर लेते हो। तो पता नहीं बिग बॉस का, बट या डेफिनेटली मेरे दिल में खतरों के खिलाड़ी को लेकर एक अलग ही प्यार है, बिकॉज आई बिलोंग टू स्पोर्ट्स, मैं टाइक्वांडो ब्लू बेल्ट हूँ, तो अरे मुझे वाह, यस तो मुझे स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है, और स्टैंड फाइटिंग ये वो चीजों से बहुत प्यार है, तो मुझे हमेशा से खतरों के खिलाड़ी करना है, एंड दैट और डांस शो करना है, बिकॉज आई लव डांसिंग, मैंने क्लासिकल डांस सीखा है और फ्री स्टाइल मुझे आता है, तो आई लव डांसिंग, तो या डांसिंग शो या। तभी आप अपने शो में बार बार रिस्क लेती हैं, खतरे मोल लेती हैं। राइट एक्चुअली अभी मेरा कल ही सीक्वेंस, अभी आज ही सीक्वेंस आया था, मैं प्रिपेयर्ड क्लाइम कर रही हूँ, ये व्हेन पीपल वर लाइक सेट पे इतनी आसानी से कर रही है, मैं तो बोला यार इतना नहीं करूंगी तो खतरों में खिलाड़ी कैसे जाऊंगी। एंड बॉलीवुड को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? बॉलीवुड इट्स ऑब्वियसली अ ड्रीम, बिकॉज बड़े पर्दे पर देखना है खुद को भी, तो इट्स नॉट इजी जर्नी आई नो, बट या आई विल कीप वर्किंग हार्ड, और मतलब जब तक वहां नहीं पहुंचूंगी तब तक मेहनत करती रहूंगी, बट सपना तो वही है वहां पहुंचने में, लक्ष्य वो, और मेहनत करती रहूंगी, लेट्स सी वन डे अगर भगवान है और मेरी मेहनत है तो रंग लाएंगी। बिल्कुल लाएगी। एंड आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आप आगे भी जल्दी पहुंचेंगे। एंड राइट स्नेहा, मेरा आपसे आखिरी सवाल एक ये है कि आज के टाइम में देखे तो एक एक्टर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले और आज के टाइम में ये फर्क है कि आजकल हर एक्टर को सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, अपने फैन से बहुत टच में रहना पड़ता है। तो ये एक तरीके का प्रेशर होता है कि, या आप इसे एंजॉय करती हैं? क्योंकि मैं आपके इंस्टा पे देखती हूँ आप रेगुलर टच रहती हैं अपने फैन से, रील हो या कैसे भी हो, कम्युनिकेट करती रहती हैं। तो बेसिकली देखो वो है तो आप हैं, वो आपको इतना प्यार करते हैं, वो आपको अगर वो आपको देखना बंद कर देंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप कहीं पे भी अपने आप को दिखा पाओगे, नहीं कोई शो में आप चल पाओगे नहीं। सो बेसिकली फैंस आर ऑल्सो, सोशल मीडिया आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि अपने आप को अपडेट मतलब अपने आप को बताना कि वॉट आर यू डूइंग राइट नाउ, अगर आप नहीं बताओगे दैट यू नो आई एम, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, तो हम बिजनेस कर रहे हैं एंड इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस कि अगर आप नहीं बताओगे दैट आई एम डूइंग दिस शो, आई एम डूइंग दिस ये वो, तो लोगों को लगेगा आप मार्केट में अवेलेबल हो ही नहीं, आप मार्केट में हो ही नहीं, तो नो वन इज गोना कम एंड आस्क यू फॉर जॉब और आस्क यू फॉर एनीथिंग कि आप ये करना पसंद करोगे वो करना पसंद करोगे। अगर आप 2-1 महीना या 10 दिन कुछ ना पोस्ट करो ना डालो तो लोगों को लगेगा अच्छा इसका नहीं चल रहा है एक्टिंग में काम, ये घर छोड़कर ये चली गई है अपने होम टाउन और ये यहाँ पे अब नहीं है, सो पीपल थिंक दैट वे एंड दे आर नॉट गोना ऑफर यू थिंग्स, एंड इवन फैंस यू नो फैंस लाइक अगर आप पोस्ट नहीं कर रहे हो, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो लोग ये सोचेंगे कि यार इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है, इसमें बहुत वो है, इसमें एटीट्यूड है, दैट बट दे वोंट थिंक कि चलो ये बिजी है, बट स्टिल फ्रॉम द बिजी स्केड्यूल थोड़ा सा वक्त निकाल के जैसे ब्रेक हो गया या कुछ भी हो गया अपडेट योरसेल्फ, उनको भी अच्छा लगता है बिकॉज़ दे आर वाचिंग यू एंड दे आर लाइक बिकॉज़ ऑफ देम यू आर देयर, तो अगर उनको अपडेट नहीं करोगे आप और उनको आप बिकॉज़ यू नो क्या होता है फैंस को दे आर वेरी मच क्यूरियस के
इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे होंगे, ये क्या नहीं कर रहे होंगे, दे आर सो मच एक्साइटेड. तो उनका एक्साइटमेंट नहीं मारना चाहिए हमें, यू नो, इफ दे वॉन्ट टू सी वन पिक्चर ऑफ योर इन पूरे दिन में यार, और किसी को खुशी मिलती है उस चीज पे, वाई नॉट ओनली वन पिक्चर यार. ऐसा तो नहीं बोल रहे कि दिन भर फोन लेके बैठो, लाइव आओ, ये करो, बातें करो, वो करो, नहीं, जस्ट पोस्ट वन पिक्चर. सो जस्ट डू दैट. एंड आई तो डोंट गेट मौका बिकॉज मेरा नायगांव में शूट होता है, तो वहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है. अभी देख रहे हो जैसे मैं बाहर बैठ के अपने स्टूडियो के लाइव कर रही हूँ बिकॉज मेरे रूम में नेटवर्क ही नहीं मिलता. सो बस हाँ, जब भी मेरा पैकअप होता है मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो एक बार स्क्रोल कर लेती हूँ जो भी फैंस ने मेरे फोटोज पोस्ट किए होते हैं, रिपोस्टेड और कमेंट लाइक्स, वो जो भी है, वो आधा घंटा घर पहुंचने तक मैं वो पूरा यूज कर लेती हूँ, फिर घर पे जाके खा के सो जाओ. दिस इज माई स्केड्यूल. Really very nice. And thank you, Sneha. आप अपने गहना और अपने शो से ऐसे ही लोगों को एंटरटेन करते रहे और फैंस आपको इतना प्यार देते रहे. थैंक यू वेरी मच प्रीतिंग उनसे बात करने के लिए. And take care, be safe. Thank you so much. You too, take care. It was lovely talking to you. Thank you. Take care.